सो हेलो गाइज, वेलकम टू द स्पॉट लर्न। जैसा कि आप जानते हैं, आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2021 ओमान और यूएई में खेले जाना है, जिसके लिए फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, जिसकी शुरुआत होने जा रही है 17 अक्टूबर 2021 से और इसका फाइनल मुकाबला 14 नवंबर 2021 को खेला जाएगा, जहां पर टीम इंडिया को आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2021 के लिए सुपर 12 के ग्रुप 2 में रखा गया है, जिसके कारण टीम इंडिया को सेमीफाइनल और फाइनल के पहले जिन टीमों से मैच खेलना है उन टीमों के बारे में आइए जानते हैं। उन टीमों के नाम कुछ इस तरह से हैं, पाकिस्तान, न्यूजीलैंड, अफगानिस्तान। इसके अलावे दो क्वालिफायर टीम के साथ भी मुकाबले खेलेगी, जो राउंड ए से क्वालिफायर करके सुपर 12 के ग्रुप 2 में पहुंचेगी। तो T20 वर्ल्ड कप 2021 में हमें कई सारे रोमांचक वाले मुकाबले मिलेंगे देखने को। इसमें सबसे बड़ा रोमांच वाला मैच तो भारत बनाम पाकिस्तान के खिलाफ जो खेला जाएगा, जहां पर सभी 16 टीमें T20 वर्ल्ड कप 2021 की तैयारी में लगी हुई है और लगभग सारी टीमों ने इसकी तैयारी भी पूरी कर ली है। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप से पहले भारत ने अपना आखिरी T20 और ODI मुकाबलाएं खेल ली है, जो कि श्रीलंका के खिलाफ खेली थी। जी हां, अब इंग्लैंड के खिलाफ भारत को 5 टेस्ट मैचों की सीरीज खेलनी है। इसके बाद IPL का आगाज होगा और उसके 2-3 दिन बाद ही आईसीसी T20 वर्ल्ड कप का आगाज हो जाएगा। तो इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं भारतीय टीम के स्क्वाड के बारे में, जो कि भारतीय टीम में चुने जाएंगे। तो शुरू से लेकर अंतिम तक हमारे ये वीडियो देखते रहिए, वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर लगातार क्रिकेट की ताज़ा खबरें दी जाती है। हमारे सभी सोशल मीडियाओं का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके आप फॉलो कर लीजिए। तो आईसीसी वर्ल्ड कप T20 2021 में टोटल 16 टीमें पार्टिसिपेट कर रही है। 16 टीमों के बीच टोटल 45 मैच खेले जाएंगे। इस बार का ये T20 वर्ल्ड कप ओमान और यूएई में खेला जाएगा। वीडियो शुरू करने से पहले ही हमने बोला था कि T20 वर्ल्ड कप 17 अक्टूबर से चालू हो रहा है, वहीं इसका फाइनल मुकाबला 14 नवंबर को खेला जाएगा। तो चलिए बात करते हैं T20 वर्ल्ड कप 2021 के लिए टीम इंडिया के स्क्वाड के बारे में, जो खिलाड़ी चुने जाएंगे भारतीय टीम में। नंबर 1 पे विराट कोहली कप्तान, वहीं दूसरे नंबर पे रोहित शर्मा वाइस कैप्टन, वहीं तीसरे नंबर पे शिखर धवन और चौथे नंबर पर केएल राहुल, पांचवें नंबर पर श्रेयस अय्यर, छठे नंबर पर सूर्य कुमार यादव, सातवें नंबर पर ऋषभ पंत, आठवें नंबर पर हार्दिक पांड्या, नब्बे नंबर पर रविंद्र जडेजा, दसवें नंबर पर जसप्रीत बुमराह, ग्यारहवें नंबर पर मोहम्मद शमी, बारहवें नंबर पर योगेंद्र चहल, तेरहवें नंबर पर राहुल चहर, चौदहवें नंबर पर भुवनेश्वर कुमार, 15वें नंबर पर चक्रवर्ती, 16वें नंबर पर टी नटराजन, 18वें नंबर पर मोहम्मद शमी, 19वें नंबर पर वाशिंगटन नंबर पर योगेंद्र चहल पांड्या, 13वें नंबर पर 21वें नंबर पर ईशान किशन, 14वें नंबर पर संजू सैमसन का इसमें हमने जिक्र नहीं किया, क्योंकि संजू सैमसन काफ़ी दिनों से फ्लॉप दिखाई दे रहे हैं। उनको इंटरनेशनल मैचों में काफ़ी मौकाएं मिली है, लेकिन आज तक वो अच्छा कारनामा नहीं कर पाए हैं, इसलिए उनका T20 वर्ल्ड कप में खेलना हमको कम दिखाई पड़ रहा है। हालांकि संजू सैमसन का IPL का फॉर्म बहुत ही अच्छा है। तो दोस्तों, अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए।